आए थे एक बच्चा को दिखाने, ऑपरेशन कराना था। परेशानी है, ठंडी है तो परेशानी है, ये ना छोटे छोटे बच्चे हैं, फर्श में है तो जो चादर था हमने बिछाया, बिछा करके बैठे हुए। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर। पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सिल्क सिटी भागलपुर में भी सर्दी सितम ढार रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में और हम ये सीधी तस्वीर आपको भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए रेलवे स्टेशन परिसर आशियाने का काम कर रहा है। यहाँ पर वैसे लोग ज्यादातर है जो फुटपाथ पर अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, साथ ही साथ वैसे लोग भी हैं जो ट्रेन पकड़ने के लिए, जिनको दूसरी जगह जाना है, ट्रेन की यात्रा करने आए हैं, वैसे लोग भी रेलवे स्टेशन परिसर में आराम कर रहे हैं। जो स्टेशन परिसर का यह एक नंबर का मुख्य गेट है, मुख्य गेट के सामने जो बरामदा है वहां पर वैसे भी आराम कर रहे हैं और लगातार जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे बचाव का कोशिश कर रहे हैं। एक परिवार है, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप लोग? लोग सुपौल जिला से हैं। सुपौल जिला से जी। कहाँ आए थे? आए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास काहे के लिए आए थे? एक बच्चा को दिखाने, ऑपरेशन कराना था, इसीलिए। बच्ची को दिखाने जी आए? यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आए, क्या कहते हैं, इधर हमको जो है रात में बोला कि यहाँ पर नहीं होगा, इसको पटना रेफर कर रहे हैं। तो पटना रेफर कर रहा, तो हम लोग जो है आए, हम ट्रेन पकड़ लेते, रात हो गया तो फिर आए तो इधर बाहर में बैठे, ठंडी ज्यादा था तो अंदर आकर के हम लोग बैठ गए। ठंड ज्यादा है इसीलिए। ठंड से बचने के लिए? जी, ठंड बचने। परेशानी हो रही है? परेशानी है, ठंडी है तो परेशानी है, ये ना छोटे छोटे बच्चे हैं। किस तरह से रात काट रहे हैं? अब क्या करेंगे, बैठ करके बच्चे से हम लोग बैठ करके आराम से गुजारेंगे। सुबह गाड़ी पकड़ना है। नीचे फर्श पर लेटे हुए हैं? अब फर्श में है तो जो चादर था हमने बिछाया, बिछा करके बैठे हुए। ठंड से बचने के? जी, ठंड बचने। तो ये हम फिर से ये सभी तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये शेख तकबीर है जो अपने पूरे परिवार के साथ सुपौल से आए हुए हैं, भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपनी बच्ची का इलाज करने आए थे, लेकिन डॉक्टरों ने इनकी बच्ची को पटना रेफर कर दिया है, जिसके बाद ये भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इनका साफ कहना है कि फुटपाथ पर कड़ाके की ठंड बुझा रही थी, इसलिए वे रेलवे स्टेशन परिसर पहुंचे हैं। हम फिर से यह सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर की है। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि जो फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं, जो यात्री हैं, साथ ही साथ जो फुटपाथ पर सोने वाले लोग हैं, वो ठंड से, जो कड़ाके की ठंड भागलपुर सहित पूरे बिहार में पड़ रही है, तो कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए वे स्टेशन परिसर को आशियाना बना लिए हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, भागलपुर।